व्हाट्स द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन? बेसिकली वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑल दोज वैल्यूज़. वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऐसे प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड जो हमारी लाइफ में जो हमें हमारी वर्थ बताती हैं, ठीक है. और हर पर्सन टू पर्सन एक अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, मगर वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेचुरली एक्सेप्टेबल भी होती हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड होती हैं, ठीक है. और हमारी लाइफ में हमें हारमोनी भी प्रोवाइड करती हैं. वैल्यूज़ वेरीफेबल भी होती हैं, ठीक है, एंड नेचुरली एक्सेप्टेबल भी होती हैं. और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं? ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट, केयर, लव, ये सब वैल्यूज़ होती हैं. और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये एक इमोशंस में डेवलप होके हमें हमारी करियर की तरफ भी एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना. अगर हमारा कोई करने का मन कर रहा है कुछ, तो इफ़ यू नो दैट थिंग इज़ रॉन्ग, तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें रॉन्ग करने से भी रोकती हैं. ये जो चीज़ें एक फोर्स होता है, एक इनर फीलिंग्स होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो हमें मोटिवेट करती हैं बेसिकली. और ये वैल्यूज़ हमारे थॉट्स एक्शन से कहीं ऊपर होती हैं, ठीक है. और हमें टाइम टू टाइम ये मोटिवेशन देती चली जाती हैं. और वैल्यू एजुकेशन स्टडी ऑफ दीज वैल्यूज़ है. और वैल्यू फीचर्स क्या होते हैं कि जो एक पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, उसके कैरेक्टर को बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे बताते हैं. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है. एंड कोड ऑफ कंडक्ट हो गया कि लाइक टाइम पंचुअल है. कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर में कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ऑनेस्टी, फनी पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, कैसा पर्सन है. सो ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टर बता देती हैं. बट व्हाई डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन? बेसिकली वैल्यू एजुकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें सही डायरेक्शन का पता चलता है, सक्सेस करने में मदद करती हैं, ठीक है. और ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप करवाती हैं ये वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि वैल्यू फीचर्स में पर्सनालिटी भी होता है. पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एक पर्सन का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए उसके बारे बता देती हैं, उसके क्या बिलीव्स होने चाहिए, ठीक है. और ये रीडिस्कवर करती है कॉमन वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल टू यूनाइट ह्यूमन बीइंग्स विद ट्रेडिशनल वैल्यूज़. आजकल हम लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भूलते चले जा रहे हैं, तो जो वैल्यूज़ होती हैं ना ये रीडिस्कवर करती हैं हमारे अंदर ये इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स को, ठीक है. वो इन फीलिंग्स को हमारे साथ यूनाइट करती हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल फीलिंग्स को एक तरह से यूनाइट करती हैं, ठीक है. किसके साथ यूनाइट करती हैं? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ. ट्रेडिशन होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड बिलोंगिंगनेस. ट्रेडिशनल वैल्यूज सच एज फ्रीडम, फेथ, इंटेग्रिटी, गुड एजुकेशन, वैल्यू ऑफ बीइंग सेल्फलेस. अब देशभक्ति की भावना है, तो ये एक तरह की हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, एंड फिजिकल, एक तरह की फीलिंग्स हैं जो यूनाइट हो जाती हैं ट्रेडिशनल फीलिंग्स के साथ, जैसे देशभक्ति हो गया, फेथ हो गया, फ्रीडम के प्रति हो गया, ठीक है. और हमें कुछ संस्कार भी दिए जाते हैं, तो हमारे सब फीलिंग्स को ना ये इनके साथ यूनाइट कर दिया जाता है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स को ट्रेडिशनल फीलिंग के साथ यूनाइट करती है वैल्यू एजुकेशन. अब टीचर्स जो होते हैं, टीचर पास वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स, ये किस तरह वैल्यू पास करती हैं? कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, बहुत तरीके से. अब जैसे जो टीचर्स होती हैं वो जो भी करती हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है उनके बारे में, और ये उनकी वैल्यूज़ स्टूडेंट्स पे भी एक तरह से इम्पैक्ट कर देती हैं. कुछ बातें वो बता के बोलते हैं, तो कुछ बातें बिना बताए. सो जो बातें वो कॉन्शियसली बताती हैं, खुद बताती हैं, तो वो कॉन्शियस लर्निंग में आ जाती हैं. और जो बातें अनकॉन्शियस वे में, मीन्स अपने आप पता चल जाती हैं, तो वो अनकॉन्शियस लर्निंग हो गई. लाइक किसी कोई अपनी बातें बता रहा है, तो उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, एक अनकॉन्शियस लर्निंग है. अगर वो आपको खुद कुछ लेसन दे रहे हैं, तो इट्स कॉन्शियस लर्निंग, ठीक है. स्टूडेंट्स माइट फेस कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग्स अबाउट द यूजेस इशूज़ इन्वॉल्विंग वैल्यूज़. वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक प्रॉपर चॉइसेस. बहुत सारे बच्चों को ना चॉइस करने में प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू चॉइस, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए. अगर हमारी लाइफ में ये पर्टिकुलर इशू है, तो इस इशू के हिसाब से हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए हालातों से, क्या करना चाहिए. तो वैल्यू एजुकेशन ना एक हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर देती है कि हम इन सरकमस्टांसेस से कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है. हमारी एनर्जी को एक सही दिशा दिखा देती है, ठीक है. एंड ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ हमें जोड़ती हैं, हमने डिस्कस किया. बट इनके साथ साथ क्या करती हैं, ये जो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन भी करती है. इंटीग्रेशन होता है कि एक दूसरे को, मतलब यू नो, जोड़ना एक दूसरे के साथ, ठीक है. सो ये एक वैल्यूज़ होती हैं, ये लाइक एक देश का
इंटीग्रेशन हुआ हुआ दूसरे देश से, यानी कि मेल मिलाव है, ठीक है, आप अपने देश से जुड़े हुए हो, ठीक है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये एक सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये वैल्यू एजुकेशन हमें सक्सेस की तरफ डिटरमाइन करती है, ठीक है, और ये डिटरमाइन करती है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स एंड इमोशंस, कि हमें अ सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड कर देती है वैल्यू एजुकेशन, कि हमें बता देती है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। इन कंक्लूजन टू इट आई वुड लाइक टू से इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज गोल्स, हमें हमारे खुद को समझने में मदद करती है कि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें खुद को इवेलुएट करने में मदद करती है, अपनी खुशी के लिए मदद करती है, रिमूव आर कन्फ्यूजन्स एंड मेक अस टू यूज़ द इनोवेशन करेक्टली।